माँ, जिसका नाम सुनते ही करुणा और ममता का एक सागर उमड़ पड़ता है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं, लेकिन आज हम आपको कहानी माँ की ममता की नहीं, एक सौदेबाज माँ की सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं समीर। तहकीकात में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे एक माँ पे इश्क का सुरूर ऐसा सवार हुआ कि वो अपनी बेटी का ही सौदा कर बैठी। कहानी एक सौदेबाज माँ की है। माँ जिसे धरती पर भगवान का रूप माना जाता है, वो सौदेबाज बनकर अपनी ही बेटी का सौदा कर बैठी। इस बात पर विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक माँ ने अपनी बेटी का सौदा कर दिया। उसने अपने 14 साल की नाबालिग बेटी को 2.5 लाख में बेच दिया। महिला ने अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए बेटी को बेच दिया। मामला जब सामने आया तो पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला का एक बेटा भी है जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है। पुलिस ने इस मामले में महिला, उसके प्रेमी और इस मामले में संलिप्त एक और महिला को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने नाबालिग की बच्ची को भी बरामद कर लिया है। दरअसल झारखंड के रांची की रहने वाली एक महिला के पति की जब मौत हो गई थी तो वह किसी तरह अपना गुजर बसर कर रही थी। वह बिहार के मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के गोबर सही में रह रही थी। इस दौरान उसका प्रेम प्रसंग पति के दोस्त से हो गया, जो महिला की 14 साल की बेटी को पसंद नहीं था। इधर महिला का प्रेमी उसके साथ शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन उसे उसकी 14 साल की बेटी कबूल नहीं थी। इसके साथ ही बेटी भी माँ के प्रेम प्रसंग से नाराज थी। तब महिला ने अपनी बेटी को पति के एक दूसरे दोस्त को और उसकी पत्नी को बेच दिया। बेटी को 2.5 लाख में बेचने के बाद उसने अपने बेटे को एक हॉस्टल में भर्ती कराया, फिर प्रेमी के साथ फरार हो गई। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़के के हॉस्टल वालों ने फीस के लिए संपर्क किया। हॉस्टल वालों को जब माँ की तरफ से फीस नहीं मिली तो उसने लड़के के रांची में रहने वाले उसके दादा से संपर्क किया। इसके बाद बच्चों के दादा और चाचा ने रांची में 0 FIR दर्ज कराई और वहां से फिर मुजफ्फरपुर पहुंची। उसके बाद सदर थाना पुलिस के साथ बच्ची के दादा और चाचा ने बच्ची को ढूंढना शुरू कर दिया। तभी पुलिस की टीम ने जांच पड़ताल के क्रम में बच्ची के सौदा में शामिल पड़ोस में रहने वाले बिचौलिया दंपति को धर दबोचा और बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। एक बच्ची है जिसको एक 0 FIR आया था रांची के रातू थाना से सदर पुलिस स्टेशन के पास में। उसमें मैटर सामने आया था, उसके बच्ची के दादाजी ने कंप्लेन किया था कि बच्ची को उसकी मदर ने मदर के ही एक फ्रेंड के साथ मिल करके और एक दो लोगों के साथ और मिल करके किसी रीज़न से बेच दिया है और बेच करके उसकी शादी करवा दिया किसी और से। बच्ची की उम्र 13-14 साल के आसपास थी, तो इसी को लेकर के फिर FIR किया गया था। FIR करने के बाद में फिर लड़की को और एक और बच्चा था जिसको बेचा गया था, उनको दोनों को रिकवर किया गया और उसके स्टेटमेंट के बेसिस पे फिर जिस आदमी को बेचा गया उसको गिरफ्तारी की गई है। बेचा गया मतलब बेच करके जिसने शादी कर ली थी उसको उसकी गिरफ्तारी की गई और जिस महिला के थ्रू मतलब जो महिला बीच बिचौलिया का काम की थी बिछवाने में उसको भी गिरफ्तार किया गया। महिला का पति 2 साल पहले झारखंड से काम के सिलसिले में मुजफ्फरपुर गया था। यहाँ वह अपनी बेटी बेटे और पत्नी के साथ गोबर सही में रहता था। 2 साल पहले ही उसकी मुजफ्फरपुर में मौत हो गई थी। इसके बाद महिला का पति के प्रेमी के साथ प्रेम प्रसंग हो गया। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन महिला की बेटी दोनों के प्रेम प्रसंग में बाधा बन रही। फिर महिला ने अपनी बेटी को बेच दिया। झारखंड में एक कोच और एक खिलाड़ी का रिश्ता तार तार हो रहा है। मामला धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र का है, जहां एक किक बॉक्सिंग खिलाड़ी ने अपने ही कोच पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। खिलाड़ी कई बार कई मंचों पर झारखंड का नाम रोशन कर चुकी है, लेकिन इस घटना के बाद उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। जरा सोचिए, जिस उम्र में खिलाड़ी को देश का नाम बढ़ाना चाहिए, उसे आगे पढ़ना चाहिए, इस समय इस देश में एक खिलाड़ी को अपने सम्मान की लड़ाई लड़नी पड़ रही है।
धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र के रहने वाले किकबॉक्सिंग खिलाड़ी ने अपने ही कोच के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आरोपी कोच विपुल मिश्रा राज्य बॉक्सिंग संघ के सचिव भी हैं। नाबालिग पीड़िता के पिता की शिकायत पर धनबाद महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस विपुल मिश्रा से पूछताछ कर रही है। महिला थाना में 27 अगस्त को दर्ज मामले में पीड़िता के पिता ने कहा कि बेटी की उम्र 17 साल है। उन्होंने झारखंड के लिए कई मेडल जीते। उनकी बेटी को किकबॉक्सिंग सिखाने चिरकुंडा की चांच कोयलेरी निवासी उनका कोच विपुल मिश्रा घर आता था। नाबालिग खिलाड़ी पिछले कई वर्षों से विपुल को राखी भी बांधती है। पिता के अनुसार सितंबर 2022 में दार्जिलिंग में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग कैंप में आयोजित किकबॉक्सिंग चैंपियनशिप में विपुल उसकी बेटी के साथ गया था। उसने 1 सितंबर से 10 सितंबर तक उसकी बेटी से कई बार दुष्कर्म किया। इस दौरान धमकी दी कि अगर संबंध नहीं बनाएगी तो उसे गेम से बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही अगर किसी को बताया तो उसका फोटो और वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद ट्रेनर को बेल दे दिया गया है, लेकिन इस खबर के बाहर आते ही खेल महकमे में हलचल मच गई है। कमेटी की तरफ से जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। 25 तारीख को जब उसको मारा है लड़का को रात में, ये सब लड़का शामिल था, ये लड़का शामिल था रांची में। ये लोग के खिलाफ रांची खेलगांव थाना में आवेदन है। अब सोचिए कि इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी है कि उसको उठाया तक नहीं पुलिस। हाँ, वो लड़का का पूरा सारे खिलाड़ियों ने मिलकर आपकी बेटी और आदित्य पे हमला किया। हाँ बता रहे, तो हमला किया तो वही ना भेजा होगा, जो बोला था जान से मरवा देंगे तो वही भेजा है। अब मारा है और बता रहे ये लोग वहाँ पर सिगरेट दारू ये सब कर रहा था और उसको कर करके इन लोग को अपने क्लच में रखता है। अब वहाँ पर मारा है, मारने के बाद हमको बेटी सुबह फ़ोन की पापा यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, हम नहीं खेलेंगे, घर जाना चाहते हैं। जब वो वापस वहाँ से घर आई है और घर आने के बाद हम उसको वहाँ से गाड़ी बुक करवा के मंगवाए और घर आने के बाद जब हम उसको पूछे कि क्या हुआ बताओ तुम सच सच क्यों तुम इतना खिलाफ हो उस आदमी का, तब ये सारा चीज़ वो हमको बताई। और जैसे ही बताई, सुन लीजिए, जैसे ही बताई हम इमीडिएट उसको फ़ोन किए हैं और उसको फ़ोन करके हम गाली गलौज भी किए हैं, बोले भी हैं, तब कह रहा है कि मामा हमको छोड़ दीजिए, मत कीजिए ऐसा, नहीं हम सुसाइड कर लेंगे। मेरे पत्नी बात किया, बोला कि विपुल आपको हम बेटा से कम नहीं मानते थे। हाँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, है मेरे पास अब रिकॉर्डिंग है। और ये लोग जो दारू पीता है सिगरेट पीता है उसका भी रिकॉर्डिंग है। वो अगला अच्छा ये जो मरवाने वाला बात है उसका भाई को ये डांटने लगा कि तुम क्यों आया मारने। कब एफ आई आर किए थे? 26-27 संडे को। महिला थाना। अच्छा, अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सर इसको कड़ी से कड़ी सजा। ये दरिंदा है सर, ये इंसान का रूप में भेड़िया है, ये कब क्या करेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। और भी आपको ये जब केस हो जाएगा ना तो और भी कितना सारा चीज़ सामने आएगा। केस हो चुका है नवाली। हाँ, केस हो चुका है। नहीं, और भी कितना सारा केस सामने आएगा। कोच का खौफनाक खेल यहीं खत्म नहीं हो जाता, कोच पर पीड़िता को कई और तरीके से धमकाने का भी आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार कोच ने पीड़िता को धमकी दी थी कि घर में किसी को अगर इस बात की जानकारी हुई तो उसकी पिता की हत्या कर दी जाएगी। खौफ की वजह से उसने यह बात किसी को नहीं बताई। 22 अगस्त को वह रांची के खेलगांव में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेने पहुंची तो वहां भी विपुल मिश्रा ने उस पर पुनः संबंध बनाने का दबाव डाला। आरोपी ने कहा कि वह ऐसा अगर नहीं करेगी तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होने दिया जाएगा। पहले तो ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गिरफ्तारी नहीं की गई थी, उन्हें थाना बुलाया गया था पूछताछ करने के लिए। जब तक और कोई साक्ष्य सामने नहीं आता है ना हमारे अनुसंधान में, तब तक हम आगे की कार्रवाई कैसे कर सकते हैं बिना किसी साक्ष्य के। तो अभी घटना में ये बताया गया है कि पिछले साल ये लोग दार्जिलिंग गए थे किसी शिविर में, प्रशिक्षण शिविर में, वहाँ पर लगातार 3-4 दिन विपुल नाम है उस लड़के का, उसके द्वारा लड़की का शोषण किया गया है, ऐसा शिकायत में दर्ज किया गया है। और अभी तो मामला जो है वो अनुसंधान में है, जितना भी एंगल इसमें सामने आ रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले रांची में भी इसी से संबंधित कुछ घटना घटी थी तो वहाँ से भी पूछताछ रिपोर्ट मांगा गया है। इसके आगे फिर जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी, यदि वो दोषी है तो वो अवश्य जेल जाएगा। ये इसमें देखने की बात नहीं, इसमें सारे बिंदुओं पर अनुसंधान के लिए बोला गया है अनुसंधानकर्ता को। जब तक ये सारी बातें नहीं आ जाती तो इसमें एक पक्ष या दूसरे पक्ष का बात बोलना यहाँ पर उचित नहीं होगा। फिलहाल प्राथमिकी दर्ज हो गई है और उसमें आगे अनुसंधान होगा
और इसमें पॉक्सो में 30 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल करने का आदेश है। तो उसमें 30 दिनों के अंदर कम से कम 10-15 दिन इसमें जांच हो जाए, सारे चीज पुख्ता हो जाए, उसके बाद फिर इसमें आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। कोच की प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता और उसके दोस्त ने कोच का विरोध किया। इसके बाद 25 अगस्त की रात विपुल मिश्रा के भाई और अन्य ने मिलकर उसके दोस्त को जान से मारने की कोशिश की। इसकी FIR खेलगांव थाने में दर्ज कराई गई। पीड़िता ने अपने पिता को फोन कर इसकी जानकारी दी तो वे उसे रांची जाकर वापस ले आए और धनबाद महिला थाना पहुंचकर FIR दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराया। इन दिनों खेल से जुड़ा हुआ एक मामला काफी प्रकाश में है। दरअसल यह मामला जो है एक खेल के ट्रेनर पर ही यौन शोषण के आरोप से जुड़ा हुआ है। एक मामला प्रकाश में आया है धनबाद से, जहां पर विशाखा नाम की एक हो बॉक्सिंग प्लेयर ने अपने ही ट्रेनर पर आरोप लगाया है कि आज से ठीक एक साल पहले जब वह लोग दार्जिलिंग गए हुए थे एक प्रशिक्षण में खेल को लेकर, तो उनके साथ कई बार यौन शोषण हुआ, जिसकी लिखित शिकायत इन दिनों धनबाद में दी गई, जिसको लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है। और इस पूरे मामले में जो भी आरोपी पक्ष है उसने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर जो बचाव पक्ष है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये पूरे आरोप बेबुनियाद हैं, और साथ ही ट्रेनर के सहयोग में जितने भी और खिलाड़ी हैं वह खड़े हो चुके हैं। वहीं ट्रेनर के परिवारजन यह बता रहे हैं कि जो विशाखा है उसकी कई जगह पे संबंध चल रहे हैं, उसके बॉयफ्रेंड के द्वारा जो है पिछले विगत समय में रांची में एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जहाँ उसके साथ उसे गलत गतिविधि करते हुए पकड़ा गया, जिसके द्वेष के भावना से उनके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि यह तो जांच का विषय है, लेकिन इस पूरे घटना के बाद पूरे खेल महकमा में तहलका मचा हुआ, जांच कमेटी भी गठित हो चुकी है। इस पूरे मामले पर हमने इस पूरी जांच करने वाले जो अधिकारी हैं धनबाद साइबर DSP, जब उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल इस पूरे मामले पर उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। उन्हें इस पूरे मामले पर उनसे पूछताछ के लिए उन्हें थाना बुलाया गया था। साथ ही इस पूरे मामले की अनुशंसा और जांच लगातार की जा रही है और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। वहीं इस पूरे मामले पर जितने भी लोग हैं उन सभी ने अपनी बात रखी। आखिर क्या है पूरा मामला वह तो जाँच का विषय है, लेकिन इस पूरे घटना के बाद पूरे खेल जगत में तहलका मचा हुआ। सहयोगी मनीष के साथ मैं अंबर कलर, भारत न्यूज 24 धनबाद। पूरे मामले में एक नया मोड़ आता दिख रहा है। महिला थाना में शिकायत दर्ज करने पहुंची पीड़िता के विरुद्ध महिला थाने में ही कई छात्र पहुंच गए और अपने कोच का समर्थन करने लगे। ये सभी विपुल मिश्रा से ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनका कहना है कि एक साजिश के तहत उनके कोच को फंसाया जा रहा है। कोच के समर्थन में पहुंचे छात्रों का कहना है कि इस मामले में लड़की जानबूझकर कोच को फंसा रही है, क्योंकि लड़की का संबंध किसी और लड़के से है और कोच इस घटना का विरोध कर रहे थे, इसलिए उनके कोच को फंसाया जा रहा है। ये जो मेरे बेटे के ऊपर केस लगाया गया, वो केस आज से एक साल से ऊपर हो गया, दार्जिलिंग में लगाया गया कि मेरा बेटा आपको 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक उस लड़की के साथ बलात्कार किया, जिस लड़की को हाथ पकड़ के आज वो नेशनल स्टेज पर खड़ा किया, ठीक है, उसको जब लगाया गया तो एक साल तक इसके माँ पिताजी कहाँ थे? क्या बेटी शरीर का सुख ले रही थी, बाप नोट गिन रहा था? आज उसको नहीं खिलाया खेलगांव में, इसके कारण उसके ऊपर केस लादा गया। वो लड़की का 5 लड़कों से अफेयर चल रहा है, उसके पास मेरे पास वीडियो है, ऑडियो है, फोटो है, सब कुछ है, लेकिन जो आज उसको टीचर उसको सब कुछ किया उसके ऊपर ही रेप का केस लगा। आपके बेटे के साथ उस लड़के का कोई संबंध? कोई संबंध नहीं है, वो गुरु आशीष से है। आरोप क्या लगाया है, क्या आरोप है? बलात्कार। रांची में क्यों खेलने नहीं दिया गया? वो लड़की आपको स्टेट नहीं खेली, डिस्ट्रिक्ट नहीं खेली, तो नेशनल तो नहीं खेल सकती है। पेपर नहीं छिखेगी? हाँ, जो डिस्ट्रिक्ट नहीं खेलेगा, स्टेट नहीं खेलेगा, वो नेशनल कहाँ से जाएगा? कौन से खेल के ट्रेनिंग? किकबॉक्सिंग। क्या क्या लेवल है आपके, जो आप ट्रेनर हैं आपके बेटे, वो उनका राज्य में किस स्तर पे है? वो झारखंड के अध्यक्ष है। किकबॉक्सिंग जी। और जो इधर कुछ दिनों पहले रांची में जो खेल हुई थी, उसमें इनके नेतृत्व में कितने बच्चे वहाँ मौजूद थे?
वहाँ टोटल 2500-3000 के आसपास। और ये जो वहाँ भी रांची में जिस लड़के के साथ ये गलत काम कर रही थी, वो ना मेरा लड़का देखा ना कोई, वो वहाँ का खेल गांव का गार्ड वो लोग झाड़ियों पकड़ा है, प्लस जो मिस्त्री गया था चिरकुंडा कापासारा से जो कैटर गया था श्याम ठाकुर, उसके मिस्त्रियों ने देखा कि वो लड़की के रूम में अंदर क्या बोल रहा, वो तो हमको मालूम नहीं, कहा हमसे कोई स्टेटमेंट लिया नहीं गया, लेकिन केस हो गया है जिसकी कॉपी हमने निकाली है। केस कब हुआ है? केस 27 तारीख को ऐड हुआ है, कल रात 12 बजे हमारा लड़का रांची से वापस आया, उसको घर से उठाया गया है। अच्छा। कौन सही कौन गलत इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा, लेकिन जिस तरह से कोच और खिलाड़ी का रिश्ता बीच सड़क पर तार तार हो रहा है, इससे खेल जरूर प्रभावित हो रहा है। इस मामले में जो भी आरोपी हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, जिससे कोई भी कुछ भी गलत करने की जरूरत ना करे। कभी गांधी की कर्म भूमि कही जाने वाली पूर्वी चंपारण अब अपराध का सबसे बड़ा गढ़ बनकर उभर रहा है। यहां अपराधियों का आतंक ऐसा है कि वो राह चलते किसी का भी नाम पूछकर उसे गोली मार देते हैं। यहां अब अपराध के खिलाफ आंदोलन की जरूरत है। गांधी की कर्म भूमि कहा जाने वाला पूर्वी चंपारण आपराधिक घटनाओं को लेकर उत्तर बिहार का पहला जिला बन गया है। मोतिहारी हत्या के मामले में मुजफ्फरपुर के बराबर पर है, लेकिन संज्ञेय अपराध में मोतिहारी उत्तर बिहार के जिलों में शीर्ष पर है। इसकी गवाही स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जारी किए गए आंकड़े भी चीख चीख कर दे रहे हैं। आंकड़ा पर गौर करें तो मोतिहारी में हत्या के 54 और मुजफ्फरपुर में हत्या के 54 मामले बराबर हैं, लेकिन संज्ञेय अपराध में मोतिहारी में 6,444 और मुजफ्फरपुर में 5,800 दर्शाया गया है। लूट के मामले में समस्तीपुर शीर्ष पर तो मोतिहारी दूसरे स्थान पर है। यह आंकड़ा जनवरी 2022 से मई 2022 तक का बताया जा रहा है, लेकिन हालात अभी भी कुछ बेहतर नहीं है। दिन पर दिन मोतिहारी में अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बिहार के मोतिहारी में अपराधियों का आतंक किस कदर बढ़ता जा रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपराधी कब किसे गोली मारते हैं, इसका भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। मोतिहारी जिले के चकिया थाना के 100 गज की दूरी पर बाइक सवार बदमाशों ने रविवार को गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। बेखौफ अपराधियों ने चकिया थाना के पास में रविवार की सुबह एक व्यक्ति को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। अपराधियों ने चकिया थाना से महज 100 गज की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान चकिया नगर परिषद क्षेत्र के राजीव कुमार के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि राजीव कुमार इंजीनियर थे और ठेकेदारी का काम भी करते थे। वह सुबह सुबह पावर हाउस चौक पर गए, वहां अखबार पढ़ने के बाद घर लौट रहे थे। इस दौरान बाइक सवार आए दो बदमाशों ने राजीव से पहले नाम पूछा, इसके बाद फिर उसने सीने में दो गोलियां मार दी। गोली लगने के बाद राजीव वहीं गिर गए। इलाज के लिए मोतिहारी के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वेदक राजीव रंजन की हत्या हुई थी। इस संबंध में 5 नामजद एवं अन्य अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना के उद्भेदन और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठन किया गया था। श्रीराज एएसपी सदर के नेतृत्व में उन्होंने कुशलतापूर्वक कार्रवाई करते हुए एक अपराधकर्मी रूपेश सिंह थाना केसरिया गिरफ्तारी की है और इसके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ है। रूपेश सिंह के विरुद्ध 2 मामले पूर्व में दर्ज थे। बेतिया जिला का इनरवा थाना में धोखाधड़ी का मामला और 2017 में केसरिया थाना में शराब के केस में ये जेल गया था। अभी तक की जो जाँच में बातें स्पष्ट हुई हैं कि मुख्यतः ठेकेदारी में वर्चस्व को लेकर इस घटना को कारित किया गया है। हम लोग अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान कर रहे हैं और हमारी जो विशेष SIT है वो लगातार प्रयासरत है और बहुत जल्द ही जो अन्य संलिप्त लोग हैं उनकी पहचान करके गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इसका क्या भूमिका था?
रुपेश जो है इस पूरे हत्याकांड की साजिश षड्यंत्र और लगातार ये अपराध कर्मियों से संपर्क में था। इसके अतिरिक्त रेकी करने में, घटनास्थल में पहचान कराने में और अपराध कर्मियों को पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया गया है, जिसका कि साक्ष्य हमारे पास मौजूद है और हम लोग इसको आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मियां पति का भी नाम इसमें सामने आया है। हाँ, इनके इसके जो व्यक्ति आज गिरफ्तार हुआ है, इसके अतिरिक्त चार और नामजद हैं इस केस में। हमारी SIT उन सभी के विरुद्ध साक्ष्य संकलन कर रही है और साक्ष्यानुसार हम लोग उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। राजीव की हत्या में शामिल अपराधियों को एक एक कर पुलिस लगातार गिरफ्तार कर रही है। राजीव के हत्या के 48 घंटे के अंदर एक को गिरफ्तार कर लिया गया था, उससे मिली निशानदेही के बाद अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही थी। SP कांतेश मिश्रा ने बताया कि SIT को गुप्त सूचना और वैज्ञानिक अनुसंधान में पता चला कि शूटर की भूमिका निभाने वाला विवेक कुमार पूरा थाना क्षेत्र में देखा गया है, जिसके बाद टीम ने छापेमारी कर पिपरा ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार कर लिया। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, लेकिन इस सुशासन की पोल पूर्वी चंपारण के चकिया में इंजीनियर हत्याकांड से खुली है और इसका जीता जागता मिसाल ये है कि पूर्वी चंपारण के चकिया में चकिया थाना से महज 100 गज की दूरी पर अपराधियों ने दिन दहाड़े इंजीनियर सह ठेकेदार राजीव रंजन को गोलियों से भूंज दिया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस अपराधियों ने पहले इंजीनियर सह ठेकेदार राजीव रंजन से उनका नाम पूछा, फिर उनकी हत्या कर दी। पूछताछ में विवेक ने बताया कि उसे 14 अगस्त को दिल्ली से रुपेश सिंह ने बुलाया था, राजीव की हत्या करने के लिए 15 लाख रुपए देने की बात की थी, जिसके बाद वह चकिया में गगन होटल में रहकर पहले राजीव की रेकी की, फिर घटना को अंजाम दिया। हत्या के बाद विवेक ने हत्या में प्रयुक्त पिस्टल को गगन होटल के पीछे फेंक दिया, उसके बाद वहां से चेकआउट कर दूसरे होटल में चला गया। विवेक ने बताया कि वह केसरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वह फरीदाबाद में रहता था, वहाँ रुपेश के बहनोई से मुलाकात और परिचय हुई। इसी बीच रुपेश वहां गया तो इससे संबंध बना। रुपेश ने कहा कि तुम मेरा एक काम करा दोगे तो तुम्हें 15 लाख रुपए देंगे। पैसे का लालच देखकर हम तैयार हो गए। 14 अगस्त को दिल्ली से आकर गगन होटल में रहा और राजीव की रेकी करने लगा। 20 अगस्त को घटना को अंजाम देकर होटल आया और होटल के पीछे पिस्टल को फेंक दिया और चेकआउट कर दूसरे होटल में जाकर रहने लगा। पुलिस ने हत्याकांड के लाइनर रुपेश को भी गिरफ्तार कर लिया। रुपेश ने ही शूटर को अपने मोबाइल से पैसा ट्रांसफर किया था। ठेकेदार हत्याकांड में पुलिस अन्य आरोपियों की भूमिका को लेकर जांच कर रही है। बता दें कि 20 अगस्त की सुबह बेखौफ अपराधियों ने चकिया थाना से महज 100 गज की दूरी पर ठेकेदार राजीव रंजन उर्फ राजीव कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृत ठेकेदार राजीव रंजन हत्याकांड में मृतक की मां किशोरी देवी ने 21 अगस्त को चकिया थाना में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें मोतिहारी नगर निगम की मेयर प्रीति गुप्ता के पति और RJD नेता देवा गुप्ता समेत 5 नामजद और 2 अज्ञात को आरोपी बनाया गया। किशोरी देवी द्वारा दर्ज कराए गए FIR में मेयर पति देवा गुप्ता, खजुरिया के रहने वाले राहुल सिंह उर्फ मुखिया और भागलपुर जेल में बंद पिपरा कोठी थाना क्षेत्र के कुड़िया का रहने वाला कुख्यात कुणाल सिंह पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। वहीं पिपरा कोठी थाना के कुड़िया का रहने वाला पुष्कर सिंह, केसरिया थाना के सागर चुरामन का रहने वाले रुपेश सिंह समेत 2 अज्ञात पर ठेकेदार राजीव रंजन की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। इंजीनियर राजीव हत्याकांड में पीड़ित परिवार के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और इस प्राथमिकी में मोतिहारी के मेयर प्रीति गुप्ता के पति और राजद नेता देवा गुप्ता को भी आरोपित किया गया है और इस कड़ी में पुलिस के द्वारा वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करते हुए घटना के महज 48 घंटे के अंदर लाइनर रुपेश को गिरफ्तार किया गया और 26 अगस्त को इस घटना का शूटर विवेक को पिपरा ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया है और उसके निशानदेही पर वो हत्या में
प्रयुक्त किए गए पिस्टल को भी बरामद किया गया है। अब दिलचस्प बात यह है कि इस घटना की कड़ी पुलिस के अनुसार कहां जुड़ती है, ये देखने वाली बात है। एक राह चलते व्यक्ति से उसका नाम पूछा जाता है, वो हां में अपना सिर हिलाता है और बस उसी समय गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब राह चलते भी आपको सावधान रहने की जरूरत है, इसलिए हम कहते हैं सतर्क रहिए और अपना ख्याल रखिए।